हाल ही में हरियाणा में जींद उपचुनाव हुए हैं, जिसमें बीजेपी ने जीत का परचम लहराया और यकीनन कड़ाके की सर्दी में गर्मी पैदा कर दी। और उसके बाद लगातार बीजेपी नेताओं के बयान भी सामने आने लगे कि वो लोकसभा और विधानसभा चुनावों को एक साथ कराने के लिए तैयार है। वहीं अब बीजेपी महिला मोर्चा के जरिए आगामी चुनावों की तैयारियां शुरू हो गई है। तभी तो करनाल लोकसभा के नीलोखेड़ी हल्के में बीजेपी महिला मोर्चा की ओर से उज्ज्वला की चाय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्षा विजय राहटकर पहुंची। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज किसी भी क्षेत्र में महिलाएं पीछे नहीं है। केंद्र सरकार में रक्षा मंत्री सीतारमन, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन सहित अन्य कई बड़े पदों पर महिलाएं ही रही हैं। राहटकर ने कहा कि 2019 में फिर से नरेंद्र मोदी को पीएम बनाने के लिए महिलाओं का अहम योगदान होगा। हर मंडल के सभी बूथों पर 5-5 महिला कार्यकर्ता की ड्यूटी लगाई जाए। हर शक्ति केंद्र पर एक प्रमुख भी नियुक्त किया जाना चाहिए। वहीं इस खास मौके पर प्रदेशाध्यक्ष निर्मल बैरागी के जींद उपचुनाव में हुई जीत की बधाई दी और कहा कि आने वाले चुनाव के लिए सभी महिलाएं अपने कमर कस लें। बहरहाल इन तस्वीरों को देखकर साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीजेपी ने आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनावों को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम ताजा और तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए CNN। तब तक के लिए नमस्कार।